अस्सलामु अलैकुम, असमा किचन में खुश आमदी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको मैंगो की चटनी बनाना सिखाऊंगी। मैंगो मैंने दो अदद ले लिए और सिंदरी मैंने मैंगो लिए, सिंदरी आम है, ये बहुत अच्छा आया हुआ है, ये मैंने दो अदद ले लिए। हाफ कप मैंने चीनी का लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई है, 1/2 टीस्पून नमक है और बर्फ़ हसबे ज़रूरत लेंगे हम। ये चटनी जो है ये चावलों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है और रोटी के साथ, पराठे के साथ, आप जिसके साथ मर्ज़ी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे पहले हम आम को छीलकर इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लूँगी और एक बॉल में डाल दूँगी। ये दो अदद मैंगो हमने छील लिए, इसको अब मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में काट के इसको ग्राइंडर के अंदर डालूँगी। ये हमने क्यूब्स की शक्ल में मैंगो हमने सारे काट लिए हैं दोनों, अब इसको मैं एक ग्राइंडर में डालूँगी। एक ग्राइंडर में मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये क्यूब्स में कटे हुए मैं मैंगो शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह, अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रही हूँ और नमक और काली मिर्च पाउडर। ये बर्फ़ के थोड़े से क्यूब्स थे वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसके अंदर कुछ नहीं डालना, मैंने सिर्फ इसको ग्राइंडर करना है। चटनी तैयार हो गई है, अब हम इसको एक बॉल में निकालेंगे। मज़ेदार किस्म की हमारी चटनी तैयार है और ये रोटियों के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।